महाराजा भगवत सिंह जी गुजरात के गोंडल स्टेट, भारत की आज़ादी के पहले काफ़ी सारे जो स्टेट थे उनमें से गुजरात में एक गोंडल स्टेट करके था जहाँ के महाराजा भगवत सिंह जी, ये इन्हीं की प्रतिमा ये उपलेटा शहर में लगाई गई है। गोंडल स्टेट में जेतपुर, वीरपुर, धोराजी, मोटीमाड और काफ़ी सारे गांव और शहर आए हुए, उनमें से एक ये उपलेटा करके शहर आया है अभी जो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पे ये महाराजा भगवत सिंह जी का ये स्टैचू लगाया गया है और ये पूरे चौक जो है पूरा चौक उसे भगवत सिंह जी चौक कहा जाता है और यहाँ की जो भाषा है उसमें ये बापू का बावलू भी कहा जाता है। महाराजा भगवत सिंह जी ने पहले ही वो एक इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, तो पहले से उसने कन्या केनवड़ी यानी कि गर्ल एजुकेशन को बहुत ही महत्व दिया हुआ था और उसने जो गांव के शहर के जो प्लानिंग किए हैं जिसे हमें टाउन प्लानिंग भी कहते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से उन समय में किया था आज़ादी से पहले। तो आप ये देखो अभी ये हम यहाँ जो ये चौक में खड़े हैं तो आप यहाँ देख सकते हो, एक तो ये इतना बड़ा ये पूरा चौक है, सर्कल है और चारों तरफ से जो रास्ते आ रहे हैं वो भी वेल प्लानेड, बहुत ही अच्छी तरह से प्लान किए गए हैं। इसे राजमार्ग भी कहा जाता है। ये सामने इधर बस स्टैंड से चालू होता है और ये सर्कल होके पूरा ही आगे चला जाता है पूरे शहर के बीच और बीच, इसे राजमार्ग भी कहते हैं। ये उपलेटा शहर जो है उसके आसपास काफ़ी सारे गांव भी आए हैं तो गांव के लोग जो है वो ख़रीदारी करने के लिए, शॉपिंग के लिए ये जो इस शहर है वहाँ सुबह सुबह आते हैं। तो अभी हम सुबह ही यहाँ पे शहर पे निकले थे थोड़े, तो अभी थोड़ी बाजार बंद थी पर अभी धीरे धीरे शुरू हो रही है और धीरे धीरे ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। अभी हम आधे घंटे पहले यहाँ वॉकिंग पे निकले थे तो सब बंद था और बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट था। और ये एक यहाँ का हमें किसी ने बताया ये वीके पान करके है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो मिलता है। और यहाँ की एक वैरायटी एक दूसरी और भी है कि यहाँ नेचुरल काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिलती है। देखो एक बात हम बताते हैं कि ये जो 14 नंबर पे लिखा है काली द्रास का शरबत, वो आप काफ़ी सार शहर में कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे पर ये कुछ नया ही यहाँ नेचुरल मिलता है। ब्लैक ग्रेप्स आते हैं, ड्राई ग्रेप्स जो आती है उनका शरबत। अब ये जो हम अभी बता रहे थे ये जो यहाँ का प्लानिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पूरा शहर का टाउन प्लानिंग हुआ है। तो ये जो राजमार्ग के हम चल के आ रहे हैं तो ये आगे का जो है ये यहाँ एक पेड़ लगा हुआ है, इसे वड बोलते हैं, इसलिए इस चौक का नाम वडली चौक पड़ा है। वडली चौक ये बीचों बीच सर्कल पे आता है तो इसे यहाँ इसी तरह से रहने दिए, एक छोटा सा मंदिर भी दिया है और इसे वडली चौक नाम दिया गया है। और आगे सामने
बस स्टैंड आ जाता है, वहाँ से ही मेन रोड हाईवे से जो अपना पोरबंदर है, वो पोरबंदर यहाँ से ही 80 किलोमीटर पड़ता है। पोरबंदर को आप सब पहचानते ही होंगे, हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का जन्मस्थान, वो यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर पे पोरबंदर आया हुआ है। और ये उपलेटा शहर जो है वो बिल्कुल नेशनल हाईवे के पास आया है। ये पोरबंदर से जो हाईवे शुरू होता है वो हमारे भारत के आसाम स्टेट के सिलचर गुड़ी तक ये रास्ता जाता है। अभी हम उपलेटा शहर में ही है और वहाँ का हम आपको ये सब दिखा रहे हैं। देखिए, ये अभी हम मुख्य मार्ग से अंदर के रोड पे आए हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे रोड रास्ते बनाए गए हैं। यहीं कहा जाता है कि ये गोंडल स्टेट जो महाराजा भगवत सिंह जी हैं उसने उन इतने सालों पहले भी बहुत ही अच्छी तरह से ये सब प्रॉपर प्लानिंग से बनाया था।